मैं हूँ विक्की और आज हम बात करने जा रहे हैं भाई, ये है 2008 की सेंट्रो जिसके बारे में आज भाई हम बात करने जा रहे हैं कि भाई उस टाइम पे भाई बहुत ही फेमस गाड़ी है हुंडई की, सबसे एक जेन्युइन जो गाड़ी मतलब प्रोडक्ट थी भाई उसमें से एक है ये, सबसे ज़्यादा बिकने वाली उस टाइम हुंडई की एक अकेली गाड़ी थी ये। और एक इसके साथ में भाई जो इसकी एसेंट आती थी हुंडई की, एक वो बिकन और एक भाई ये, भाई अपने टाइम में तो भाई गाड़ी ने गदर मचा रखा था और आज भी भाई बहुत ज़्यादा चल रही है गाड़ी। तो ये आपने इसका एक वो क्राउन देख लिया भाई, ये जो आप देख रहे हो ये इस 2008 मॉडल सेंट्रो जिंग ऐसे कुछ नाम से आती थी ये। और ये कुछ देख लो भाई, कुछ ऐसे इसके फ्रंट लुक्स हैं, साइड में से कुछ ऐसी दिखती है ये। तो चलो भाई पहले बात करते हैं इसके फ्रंट से, इसके फ्रंट से तो भाई इसमें ये इसकी हेडलाइट्स हैं, इसमें मिलते हैं हेलोजन बल्ब मिलते हैं, तो टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं और नीचे मिलते हैं ये फोग लैंप्स, ये जो भाई ने अलग से इंस्टॉल करा रखे हैं। और ऐसी कुछ इसकी हुंडई की ग्रिल आती थी ऐसे ही हुंडई दिखाता था, और ऐसे कुछ इसके फ्रंट लुक्स हैं ऐसे भाई कुछ सामने से मतलब दिखने में लगती है गाड़ी। और साइड में बात करें तो टर्न इंडिकेटर साइड में इसके फेंडर पे मिलते हैं और कुछ ऐसे भाई ब्लैक कलर के इसमें शीशे मिलते हैं। और अलॉय व्हील्स भाई ने अलग से आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं, अलॉय व्हील्स की लुक देख लो भाई कुछ ऐसे लग रहे हैं। और गाड़ी अभी गंदी है तो यार ज़्यादा माइंड मत करना। और ऐसे कुछ क्रोम डोर हैंडल्स लगा रखे हैं और ये इसमें भाई 35 लीटर का पेट्रोल टैंक है, असल में भाई पेट्रोल की गाड़ी है तो इसमें ऐसे मिलता। पीछे से कुछ लुक्स गाड़ी की ऐसी हैं, ये इसके टेल लाइट्स हैं यहाँ पे भाई दो, और पीछे से कुछ ऐसा इसका लुक दिखता है। इसमें थोड़ी थोड़ी भाई ने मॉडिफिकेशन करा रखी है, यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप्स हैं तो कुछ पीछे से भी दिखने में ऐसी है यार, मतलब भाई ने अच्छी बनवा रखी है गाड़ी। तो चलो अब बात करते हैं इसके, तो ऐसी इसमें कुछ की मिलती है यार 2000 के हाथ में सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती गाड़ी में, कुछ ऐसी की मिलती है। तो चलो एक बार बात करते हैं इसके अंदर से चल के, और ये अभी अनलॉक करनी पड़ेगी, अनलॉक है शायद। और ये कुछ ऐसा इसका डोर पैनल मिलता है यार, यहाँ पे थोड़ा ये पकड़ने का, यहाँ पे ये फ्रंट की विंडोज जो हैं वो ऑटो अप एंड डाउन वाली मिलती हैं, इसमें पीछे की जो मिलती हैं वो मैनुअली अप एंड डाउन कर सकते हैं। और कुछ लॉक अनलॉक का भाई ऐसा पुराने मतलब उस टाइम पे ऐसे ही आता था देख लो। और यहाँ पे इसके स्पीकर्स मिलते थे पहले, और यहाँ पे थोड़ी सी सामान रखने की जगह मिल जाती है, यहाँ पे एसी के वो मिल जाते हैं, यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोलर और कुछ ऐसा इसका भाई स्टीयरिंग व्हील मिलता है, और ऐसा इसमें स्टीरियो आता था उस टाइम पे भाई। और यहाँ पे ये एसी का कंसोल कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे 12 वोल्ट का हम चार्जर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तो कुछ इसका ऐसा ग्लोव बॉक्स मिल जाता था भाई उस टाइम, यहाँ पे देखो भाई इसके यहाँ पे स्पीकर्स आते थे और कुछ यहाँ पे ट्विटर्स, और ये कुछ इसका भाई बैक मिरर, और यहाँ पे लाइट ये भाई ने अलग से लिखवाई हुई है भाई स्क्रीन इसकी, और इस साइड भी भाई वैनिटी कुछ ऐसा ही मतलब कि वैनिटी मिरर तो नहीं मांग सकते, अगर यहाँ पे होते तो अगर भाई ओरिजिनल वो वाला लगा होता तो पता चलता, पर भाई ने अपनी अलग से स्क्रीन लगा रखी है इसमें। और तो कुछ सामने थे डैशबोर्ड की कुछ लुक कैसे है, और ये भाई ने आफ्टर मार्केट इसमें वो लगवा रखा है हैंडरेस्ट, और पीछे 5 स्पीड की मिलती है भाई गाड़ी। तो अब बात करते हैं भाई इसकी बैक से, ये देख लो सीट भी इसकी यार 4-वे एडजस्टेबल, मैनुअली 4-वे एडजस्टेबल मिलती है। और बैक डोर की कुछ बात करें तो बैक में यार स्पेस खूब अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी में, और जो यार मतलब मोस्टली काम गाड़ी में आफ्टर मार्केट भाई ने करा रखा है यार, जो 2008 से रखा है उसका मतलब यार गाड़ी तो यार बहुत ही प्यारी होगी। तो कुछ गाड़ी देखने में ऐसी लग रही है अंदर से, और देख ले यार 2008 के हिसाब से ऐसा इसका डैशबोर्ड मिलता था, मतलब यार 2008 के हिसाब से तो भाई ने बहुत ही बढ़िया गाड़ी बनवा रखी है, ऐसे लुक्स गाड़ी के अच्छे लग रहे, कोई बोल नहीं सकता देख के कि भाई 2008 मॉडल है। और बूट स्पेस की बात करें तो भाई बूट स्पेस इसका आगे से ही खुलती है, शायद देखते हैं एक बार बूट स्पेस यहीं से खुलेगी भाई डिग्गी। तो इसका बूट स्पेस कुछ इतना मिलता है यार, इनफ बूट स्पेस मिल जाता है, पर भाई ने यार यहाँ पे
अपने स्पीकर्स लगवाए हुए हैं। यहाँ भी इसमें स्पीकर्स मिलते हैं पर भाई ने कुछ एडिशनल लगवाए हुए हैं, और कुछ इतना इसका बूट स्पेस मिल जाता है जो कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई, क्योंकि मेरे को यार ऐसे पता नहीं है नंबर्स में कितना बूट स्पेस मिलता है इसमें। और एक बार चलो मैं दिखा देता हूँ कितनी चली हुई है गाड़ी। तो भाई गाड़ी देखें तो गाड़ी चल रही है 86,092 किलोमीटर, और ये गाड़ी है भाई पेट्रोल में, कुछ इसके इसकी ऐसी MID मिलती है। तो अब चलो एक बार इसके इंजन खोल लेते हैं भाई गाड़ी में। इंजन खोलने का शायद यहाँ से है, तो देख लेते हैं भाई कैसा इंजन मिलता है। ऐसा ये है भाई 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है इसका। 2008 में भी यार देखो 4 सिलेंडर इंजन मिलता था गाड़ी में, और जो कि यार इसकी पावर और जो टॉर्क मिलता था वो मैं अभी स्क्रीन पर डाल दूंगा भाई, कितना कितना मिलता है ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है। एमरोन की इसमें बैटरी है। तो ओवरव्यू यार एक कुछ गाड़ी का ऐसा है, उस टाइम में तो यार बहुत ही बढ़िया गाड़ी चली थी, नामी थी। तो अभी आपने देख लिया यार आपको, मतलब यार मैं अभी इनके जो भाई ओनर है उनसे बात करा देता हूँ भाई कि कितने की गाड़ी थी, कितने की पड़ी थी ये उस टाइम 2008 में। शायद यार अब याद भी ना हो क्योंकि यार इन्होंने पुरानी खरीदी है किसी पे, तो आप देख लो। तो मैं अभी चलो एक बार ओनर से मिलवा देता हूँ। तो भाई ये हैं गाड़ी के ओनर, तो भाई से पूछते हैं भाई क्या प्राइस पड़ा था इन गाड़ी का। भाई ये है 2008 मॉडल, उस समय 4-4.5 लाख के करीब थी ये। हाँ तो भाई ये भाई के ओनर भाई थोड़े कैमरे शाही हैं, तो भाई इतना ही बोलना था भाई को। तो भाई ये गाड़ी उस टाइम पे 4.5 की पड़ी थी। तो देख लो आज की वीडियो के लिए यार इतना ही, एक शॉर्ट रिव्यू बनाना था कार का, तो देख लिया भाई देखने में अच्छी लग रही है। देख लो साइड लुक्स कुछ ऐसे हैं गाड़ी के। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और